वंदे गुरुपदद्वंदं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नीत्वा नंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समाजूतं बिंदावनं मनोहरम वंचाकल्पतरुवश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाधवं वृंदावै तुलसीदेवै पियावै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्त भक्ति प्रमोदाख जगोद्वरण देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भीतातिहं पनतपालभवद्दीपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्ता दुस्तेज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मीष्ट अर्ज वचसा जदगादरण्यं मायामेघ दैत्यप्सितं वधावद वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पाद पल्लवनखचन्दमनि छटाया विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोतु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वम्भरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बागी सजस्व वदने लक्ष्मीर्जस्व च वक्षसि जस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे वंशी विभूषित करात नवनीरदावा पीतांबराधरण बिंब फलाधरुष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनाभा कृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्तमहं न जाने
वंशी विभूषित करात नवनीरदावान पीताम्बराधरुण बिंब पलाधरुष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंदनाभा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। सिसिलो सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी गौड़ीय गोष्ठीपति गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता सिसिलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए भगवान की कृपा आपका ऊपर ऐसे नहीं आएंगे। योर अटेंशन प्लीज। भगवान की कृपा आपका ऊपर ऐसे नहीं आएंगे। भगवान का कृपा, भगवान की शक्ति, भगवान की तत्प्रकाश तत्शक्ति, इनके माध्यम पे आपका ऊपर भगवान का कृपा टपकेंगे। भगवान का कृपा कोई डायरेक्ट नहीं प्राप्ति कर सकता। भगवान का कृपा पाने के लिए भगवान का शक्ति तत्प्रकाश इसका ऊपर डिफेंड करना निर्भर करना पड़ता है। पहला बात तो ये है जो इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल कल्टीवेशन, दोज सेजेस आफ्टर लॉन्ग डेरिवेशन हैव गिवन अस इमेंस ट्रेजर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज बट वी आर सो फूल दैट वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि है। ये भारत भूमि में जितना सारे मनी ऋषियों ने अपना भजन करते हुए जो सारे अनुभव जो ज्ञान विज्ञान हमको दिए हैं, हम इतना मूर्ख हैं ये कृपा को लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। सबसे बड़ा बात ये दुख की बात है। भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है उसका तो जीवन बन गया एकदम। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे भारत भूमि क्या है इसका बारे में चिंतन करे, इनका ऐतिह्य इनका बारे में चिंतन करे तो पता चलेगा महाराज तो आपका जीवन तो बन जाएगा, सार्थक हो जाएगा। भगवान का कृपा प्राप्ति करने के लिए जिसका इच्छा है उनका बारे में हमारा थोड़ा कहना है। जिनका जिंदगी का फॉर्मूला है खाओ पियो जियो, इनके लिए कह रहा हमारा कोई उपदेश नहीं है। जो भगवान को मानते हैं थोड़ा इनका लिए थोड़ा सुझाव दे, थोड़ा कथा है। आज सी गोपाष्टमी तिथि पर महामहोत्सव है। अभी हमने कहे भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान लाखों भगवान नहीं है, भगवान एक है, एक ही भगवान है अद्वितीय। इनके नाम है नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण गोविंद, जिन्होंने ये आज का दिन ये गोपाष्टमी का दिन बाल गोपाल ने धीरे धीरे जब बड़े हुए थोड़ा सा तो मैया को बोले कि हम गौ चराने जाएंगे। अरे तू बच्चा है कैसे जाए, ना मैया हम जाएंगे, हम गौ चराने जाएंगे। जितना साले ग्वाल वाल को लेकर आज वो दिन है गोपाष्टमी का दिन। आज का दिन गोपाल ने जितना सारे छोटे छोटे बछड़ा है सबको लेके गौ चराने गए थे। भले गौ मातान की जय। ये छोटे छोटे बछड़ा को लेकर गोपाल गोविंद जितना सारे ग्वाल वाल को लेकर गौ चराने आज का दिन गए थे। अब जब यशोदा मैया ने कही दूर मत जाना क्योंकि तू बच्चा है, ना मैया हम दूर नहीं जाएंगे, नजदीक रहेंगे। नंदोगांव का आसपास जितना सारे खैरा है,
खदीरबन खैरा, फिर आपका कद आपका टेर कदम जहां सिलो रूपो को साईपाद जी ने भजन किए वो जाएगा, वो सब जाएगा गौचरण। छोटा सा बछड़ा का चरण विचरण करते थे, वहां खेलकूद करते थे। और गोपाल माँ को वादा किए, मैया ने बोले कैसे हम समझे कि तू दूर गए नहीं, उदम किए नहीं हो। बोले हम ऐसे करें बीच बीच में बांसुरी बजाई करें, बंसी बजा देंगे। जब बंसी बजाएंगे आपको घर में पता होगा कि गोपाल नजदीक है, गोपाल नजदीक है, ऐसे आप समझो समझ जाओगी। ऐसा करके गोपाल आज का दिन बछड़ा अर्थात गोपालन शुरू किए। गोपाष्टमी आज का तिथि है। हमने कहे अभी भगवान का कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान का शक्ति भगवान का प्रकाश इनके ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। ये जो सुरोभि गौ माता है ये भी भगवान का प्रकाश है, तत्शक्ति तत्प्रकाश तत्प्रकाश तत्शक्ति है। इसलिए ये गौ माता के सेवा के द्वारा भगवत प्राप्ति संभव है। भगवान के सेवा करने के लिए जो अवस्था चाहिए वो अवस्था साधारण आदमियों में होता नहीं। इसलिए तदीय वस्तु जैसे गंगा जी, जमुना जी, तुलसी जी, गौ माता, ये सब जो है ये तदीय वस्तु है, भगवान का तदीय वस्तु है। इनके सेवा करो तो आपका भगवत चरण में भक्ति हो जाएगा, भगवान का कृपा मिलेगा। ब्रह्मा जी ने, लोक पितामह ब्रह्मा जी जब तपस्या किए थे, ब्रह्मा जी तपस्या करने का बाद भगवान ने उनका ऊपर कृपा करके अपना स्वरूप को दर्शन दिए। हम भागवत चर्चा में ये भाटिंडा का मठ में ये सब चर्चा किए हैं। ब्रह्मा जी को भगवान कृपा किए हैं, अपना स्वरूप को दर्शन दिए हैं, कैसे हैं अपना धाम, अपना सारे परिकर कैसा लीला है, कैसा देखने में। ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं दर्शन दिए। अब वो चतुश्लोकी भागवत में आता है, ये सब चर्चा हो चुका है अभी। ज्ञानम परमम गुज्जंग में जद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगंच गृहान गोदितं मया जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात। ब्रह्मा जी को भगवान ने कहे जे हमारा जो ज्ञान, हमारा अप्राकृत ज्ञान, हमारा विषय में तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद रहा। मदनुग्रहात हमारा कृपा नहीं होने से अपना चेष्टा से भगवान को नहीं जान पाओगे। ब्रह्मा को आशीर्वाद दिए थे और ब्रह्मा जी ने उसी समय गोलोक वृंदावन की जो एक झांकी, गोलोक वृंदावन की जो अप्राकृत झांकी इनके सामने प्रकट हुए, इसका बारे में ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्म संगीता बोल के सुंदर एक किताब एक रचना किए। इनके श्लोक ब्रह्म संगीता बोला जाता है। इनमें ब्रह्मा जी जो 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 कुछ देखे हैं साक्षात भगवान का कृपा के द्वारा, गोलोक धाम वृंदावन का जो झांकी उनका सामने आए ये देखते रहे, और उसका बाद इसका वर्णना जो है ये हमारा सामने ब्रह्म संगीता का रूप पे हमारा सामने आए। ये जो ब्रह्म संगीता है इसमें चिंता मुनि पकर सदमुष कल्प विख्यो लक्षावृते सुसुरभि रविपाल अंतम, यहां गोलोक का वर्णन है। भगवान नित्य धाम में हजार हजार गौ माता को लेकर, सुरोभि गौ माता को लेकर विचरण करते हैं। ब्रह्मा जी जो देखे हैं उसी को बता रहे हैं। चिंता मुनि पकरो सदमसु कल्प विक्षो लक्षावृते सुसुरभि रविपाल अंतम, ये गौ माता को एकदम पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपना जिंदगी को गुजारते हैं, अपना अपराकित जो जीवन है। गौ माता को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण सोच ही नहीं सकता,
गोमाता को छोड़कर भगवान गोविंदो सोच ही नहीं सकता। गोविंदो नाम इसलिए हुआ है कि गौ माता को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण किसी भी हालत में जीवित नहीं हो सकता, ऐसा आनंद है भगवान का। इसलिए भगवान का बारे में ब्रह्म संहिता में बताए हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण तमाम अनंत इन्फिनिटी ब्रह्मांडो, अनंत ब्रह्मांडों का एकमात्र कारण है भगवान श्री कृष्ण, इनके पीछे और कोई कारण नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण छोड़कर और कोई दूसरा कारण नहीं है, एक ही अद्वैत ज्ञान तत्व भागवत में बोला जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो गौ माता छोड़कर बिल्कुल जी नहीं सकते, आप जानते ही हो कैसे भगवान श्री कृष्ण छोटे बचपन से, अभी हम बोले पालन करते करते जब बड़े हुए गौ पालन किए, ये काम बन इधर उधर भटकते रहे सुंदर गौ माता को लेकर, और गौ माता जैसे चलती है ऐसे नंगा पैर भगवान श्री कृष्ण चलती थी, नंगा पैर। यशोदा मैया ने बोले ये ब्रज की भूमि बड़ा कठिन है, तू एक काम कर एक चप्पल पहन के जा, जूता पहन के चप्पल पहन के जा। बोले ना मैया, गौ माता ऐसे चलती है तो हमको भी उनके सम्मान के द्वारा हमको ऐसे ही चलना है, ऐसे चलना है। आपको मालूम है गिरिराज गोवर्धन का बारे में, आपको मालूम है गिरिराज गोवर्धन, आपको मालूम है वृंदावन में गिरिराज गोवर्धन है। ये गोवर्धन, ये नाम जो पड़ा है गोवर्धन, गो वंशों का वर्धन करने वाले ये गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज को श्रीमद भागवत जी महापुराण में श्लोकों में सुंदर वर्णन किया। हंतायम मद्रिरबल हरिदास वर्यो जद राम कृष्ण चरणो परसो प्रमोदो मानम तनोति सहगो गणयो स्तयोर्य पानीय सुजवसो कंदरो कंदमूलई। क्या बताए, क्या बताए, अभी हल्ला गुल्ला चल रहा है चारों। हंतायम मद्रिरबल हरिदास वर्यो जद राम कृष्ण चरणो परसो प्रमोदो मानम तनोति सहगो गणयो स्तयोर्य पानीय सुजवसो कंदर कंद मूलई। ये गोवर्धन गिरी कंदर में गौ माता को लेकर भगवान श्री कृष्ण बलराम विचरण करते थे, और गौ माता को लेकर सेवा करते थे भगवान गोविंद का, अद्भुत सेवा। आपको मालूम है ये गिरिराज गोवर्धन पूजा कुछ दिन पहले गए, उसमें इंद्र महाराज स्वर्ग का राजा, जब इंद्र महाराज देखे भगवान श्री कृष्ण ने हमारा पूजा बंद कर दिया, जब देखे भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा आदि सबको को बता के हमारा पूजा बंद कर दिया, उस टाइम में बड़ा गुस्सा हुआ। भगवान गोविंदो ने एक गिरिराज पूजन किया, बोले इंद्र महाराज का पूजन का जो सामान है इसको लेके गिरिराज को पूजा करो, ये गोवर्धन है गोवर्धन, इनको पूजा करो, इनका पूजा के द्वारा आपका पूरा परिपूर्ण कृपा मिलेगा। गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है, ये अलग कुछ नहीं है। और जब इंद्र महाराज ने 7 दिन 7 रात तक इतना बारिश दिए, ये बारिश के द्वारा ब्रजभूमि को खत्म करने का चक्कर में था इंद्र महाराज, अपना ओरावत में चढ़कर जहां उतारे ब्रजभूमि में, वो जगह का नाम क्या है, बहेज, बहेज जो वृंदावन में विचरण करते हैं साधु संत वो जानते हैं, जो जाएगा इंद्र महाराज ने आके गुस्सा के मारे हम ब्रजभूमि के खत्म कर देंगे, ऐसा करके जहां लैंड किए, जैसे प्लेन लैंड करता है वो लैंड किए, वो जगह का नाम है बहेज।
बहेज मतलब वो जगह बज्रो, बज्रो लेके, बज्रो लेके वहां उतारे कि ब्रज भूमि के हम खत्म कर देंगे। लेकिन ब्रज भूमि तो तुम्हारा पृथ्वी का कोई हिस्सा नहीं है, ये तो गोलोक वृंदावन से आए हैं, साक्षात धाम है, इसको खत्म करना तो उसका बस का काम नहीं है। लेकिन इतना अभिमान है, जब बारिश दिए 7 दिन 7 रात भगवान श्री कृष्ण अपना अंगुष्ठी पर गोवर्धन को धारण किए और इंद्र महाराज की जो अत्याचार है इसको खत्म कर दिए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इंद्र महाराज ने सोचा ये तो कोई साधारण बालक नहीं है, ये ठाकुर जी स्वयं होगा, क्योंकि 7 दिन 7 रात गिरिराज गोवर्धन के पकड़ के रखे, हमारा इतना वृष्टि बारिश दिए, जो प्रलय का टाइम में वो बारिश आता है, इसमें कुछ नहीं बिगाड़ा पुरुषोत्तम का, ये इसे था भगवान स्वयं है। उस टाइम में इंद्र महाराज भगवान श्री कृष्ण का चरण में शरण लेने के लिए आए, लेकिन अकेला नहीं आए, अकेला नहीं आए, आने का टाइम में क्या किए, सुरभि माँ को सामने लेके आए। क्यों? अगर सुरभि माँ को सामने लेके आए, इंद्र भगवान सुरभि देवी को देख लिए, बस उसका जो कष्ट है सारे खत्म हो जाएगा, गुस्सा नहीं करेंगे। सुरभि माँ को सामने लेकर पीछे पीछे इंद्र जी माथा नीचू कर चोरों का मापिक धीरे धीरे कृष्ण भगवान का चरण में आके शरण लिए, हमको क्षमा करो, जो हुआ सो हुआ, जो कर दिया हमको क्षमा करो। इंद्र भगवान ने जब स्तुति सुने, इंद्र भगवान ने स्तुति की भगवान गोविंदो का, स्तुति करने के बाद क्षमा कर दिया, अब बोले कभी भी अभिमान मत करो, अभिमान करने से कुछ नहीं होगा। आप ध्यान से सुनो साइंटिफिक व्याख्या, विज्ञान भी, ये तो हमारा दार्शनिक थोड़ा वो समय अल्प है, ज्यादा बताने का टाइम नहीं है। ये जो गौ माता है, हमने अभी बताए भारतवर्ष, भारत भूमि जो है ये आध्यात्मिक देश है। हम तो हैरान हो जाते हैं कि ये जो समाज है मूर्ख समाज है, ये मूर्ख समाज सारी यूरो सोसाइटी का नकल करते रहे, वो जाने नहीं हमारा देश में क्या संपत्ति है, वो तो विदेश का, विदेशी का, विदेशी का नकल करते रहे, वो जाने नहीं इंडिया में भारत में समय क्या है, क्या मिल सकता। और अभी विदेशियों ने धीरे धीरे आकर भारत भूमि में सारे ये कीपा लेने के लिए आते हैं, यहां तक कि जेसस क्राइस्ट जीसु ख्रिस्ट जी क्रिश्चियन धर्मों का प्रवर्तक जो है वो भी इंडिया में आए थे, छुपाकर आए थे इंडिया में। वो जेसस क्राइस्ट का जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें लिखा हुआ है मिसिंग लाइफ ऑफ जेसस क्राइस्ट, इसमें दिया हुआ है छुपाकर इंडिया में आए भारत में आध्यात्मिक विद्या सीखने के लिए, ये आप लोगों को मालूम नहीं है। जो भी है भारत भूमि आध्यात्मिक भूमि है, ये मुनि ऋषियों का भूमि है, जाग जोगो सारे होते रहे यहां। आप विचार करके बताओ जितना सारे जाग जोग होता है, जितना सारे कुछ होता है भारत भूमि में पूजन अर्चन जो कुछ भी है, आप गौ माता को छोड़कर कर सकते हो कि नहीं, बताओ ये पहले। गौ माता को छोड़कर आपका यज्ञ होगा क्या होगा बोलो, चिंता करो, यही गौ माता का हत्या बंद करो। गौ माता का हत्या हर हालत में बंद होना चाहिए, इसका क्या होगा नतीजा ये हम बता रहे, अभी साइंटिफिक व्याख्या सुन लो। ये जाग जोग जो है गौ माता हवन जो होता है, इसमें जितना सारे घी घ्यू लगता है हवन में, जितना सारे गौ माता से आते हैं, गौ माता अभी देखो जितना सारे दुनिया का जारे विचार हैं और भारत का, भारत भूमि का जो वैदिक कल्चर है इसका विचार अलग है। विचार करके देखो कभी भी टट्टी पेशाब एक कभी भी छूने का लायक नहीं है। आप टट्टी जाते हो पेशाब जाते हो ऐसा नाक बंद करके करके आते हो, लेकिन वेद में वेद का इंजंक्शन है, वेद का आदेश है। वेद का आदेश क्या है, आप किसी आदमी का हड्डी स्पर्श करो तो आपको नहाना पड़ेगा, किसी हड्डी मुर्दा का हड्डी स्पर्श करो या टट्टी पेशाब स्पर्श करो तो आपको नहाना पड़ेगा। लेकिन गौ माता का बारे में वेद में डायरेक्ट आदेश है
गोमाता का जो गोबर है, गोमाता जो गोमूत्र है, ये परम पवित्र है। ये भगवान का सेवन पूजन में लगते हैं चौका लगाने के लिए, और भगवान का सेवा में लगते हर हालत में। और भगवान स्वयं ब्रजभूमि का लीला को विचार करो, भगवान श्री कृष्ण गोमूत्र से नहाते हैं, क्योंकि गोमूत्रों में गंगा का आवास है और गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। कितना शास्त्रों आपको चाहिए? सारे प्रमाण है। गोबर में लक्ष्मी देवी का निवास है। क्यों महाराज गोबर में? बस सुरभि माता जब प्रकट भई, सुरभि माता का अंदर जितना सारे देवता लोग सुरभि माता का चरण वंदना करके उनका शरीर में प्रविष्ट हुए, लेकिन लक्ष्मी देवी आई नहीं। बोले हम तो धन दौलत का मालकिन है, हमको बुलाने से तब जाएंगे, तो उनको बुलाए नहीं। सारे देवता लोगों का आवास हो गया गौ माता का अंदर। ये गौ माता का पिक्चर देखोगे, गौ माता का आपका पिक्चर है ही है, एक किताब निकाला है, इसको हिंदी में निकाला जाएगा, इसमें साइंटिफिक विज्ञान का व्याख्या है, सारे विज्ञान का पूरा, साइंटिस्ट लोग का बहुत आनंद लगे। गौ माता का जो गोबर है, इसका नाम है गोबर। गो माने गौ माता का बर, बर माने आशीर्वाद। गोबर, गोबर का माने है गोबर, गौ माता का वरदान। ये बड़ा हल्ला गुल्ला हो गया। ये जो भारत भूमि है, इससे ही विदेशी लोग सीखा है सब कुछ। आप पागल कमा भी उन लोगों का पीछे दौड़ रहे हो, लेकिन आज जितना पृथ्वी में ज्ञान विज्ञान है, कल्चर है, जो कुछ भी है, सारे इंडिया से सीखा है। यहां तक कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स सब कुछ ये इंडिया से गया है सब, लेकिन आज विदेशी लोगों का नकल कर रहा है, दुर्भाग्य की बात है। ये भारत भूमि में जितना सारे जोग जाग जोग है, पूजन अर्चन है, इसमें गौ माता को छोड़कर आप कुछ भी कर नहीं सकते हो, संभव नहीं है। गौमूत्रों में गंगा जी का स्थान है, गोबर में लक्ष्मी देवी का, क्योंकि वो अंतिम में आई, बोले अभी जगह नहीं है, जगह खाली नहीं है, आप गोबर में, तो बोले ठीक है, गोबर में लक्ष्मी देवी का स्थान है। सारे वैज्ञानिक लोग टेस्ट करके देखे हैं गोबर में क्या है। आप शहर में जितना सारे पॉलिटिकल लीडर है सब है, वो लोग पीछे पड़ रहे हैं, गौ माता का पालन इधर मत करो, सब हटाओ, वो लोगों को मेरा सामने बुलाओ, हम प्रार्थना करें, विचार करके देखाएं, जे ये गोबर जो है, गोमूत्र है, इसमें वैज्ञानिक लोग परीक्षा करके देखे हैं, एंटीसेप्टिक। गौ माता का जो गोबर है, जहां चौका लगे वहां कोई जो बीमारी है, मतलब जितना सारे वायरस है, डिजीज है, जो इतना सारे छोटे छोटे, वो रह नहीं सकता। और गोमूत्रों में भी ऐसा है, गोमूत्र ये पृथ्वी देवी का आहार है, पृथ्वी देवी का भोजन है। देखोगे भागवत में आता है, जब गोमाता और धर्म रूपी वृषो और पृथ्वी रूपी गोमाता, ये जो गोमाता है वेद में प्रमाण है, ये गोमाता ये पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी का पूरा स्वरूप है, ब्रह्मांडों का सब प्रमाण है वेद के। वेद में स्तुति है गोमाता का ऊपर, सुरभि गाय का ऊपर। अभी बात ये तो ये है, ये जो गोमाता है, गोमाता के जो गोबर है, गोमूत्र है, ये पृथ्वी का आहार है। भागवत में प्रमाण है, धर्म रूपी वृषराज और पृथ्वी रूपी गोमाता, इनके ऊपर जो कली महाराज जब अत्याचार करने के लिए आए थे, सोट को निकालकर ऐसे, तब देखे परीक्षित महाराज, देखे परीक्षित महाराज, देखने के बाद भागे आए, अब बोले तू कौन है, परीक्षा दे, तेरे को काट के फेंक देंगे अभी। ये हम अर्जुन युधिष्ठिर पांच पांडवों का वंशधर है, हमारा खानदान में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने गौ माता और गो ब्राह्मण इसके ऊपर उदासीन रहे। हर वक्त हमारा विचार है तू कौन है, परिचय दे, नहीं तो तेरे को काट के फेंक देंगे। बाद में हाथ जोड़कर कोली ने बोले हमको क्षमा कर दो, हमारा परिचय है कली, तू कली है, और हमारा सामने हमारा राजत्व में तेरा कैसा हिम्मत हुआ गौ माता का, और तू
गोमाता ये जो वृष है इनको काट रहे हैं, तू अत्याचार कर रहे हैं, तेरा तो हिम्मत कम है, है? बहुत है। बोल के जब बोले तो छोड़ के भागे, बोले हमको जगह दे गो वहीं हम रहेंगे। ये सब बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर गोमाता का बारे में परीक्षित महाराज जो स्तुति किए हैं वो सुनने का लायक है। सारे पॉलिटिकल लीडर को सुनना चाहिए। हम तो खुल खुल कर दिखाना चाहिए, देखो तुम्हारा क्या बुद्धि बिगड़ गया, देखो इधर क्या लिखा है। गौमाता के बारे में परीक्षित महाराज बोले जे ये गौमाता और गौमाता के ऊपर जो अत्याचार करे उसका सारे सारे जितना धर्म कर्म जितना सारे हैं सारे खत्म हो जाते हैं। जिस देश में गौमाता के ऊपर अत्याचार होता है वो देश में कभी भी शांति नहीं फैलेगा, शांति नहीं हो सकता। गौमाता का जो गोबर है, गोमूत्र है, ये पृथ्वी देवी का आहार है। आज से 100 साल पहले भी देखो जितना सारे जंगल है, पहाड़ पर्वत हैं, सारे एकदम हरा भरा रहता था चारों ओर, क्योंकि गौमाता विचरण करते थे। उसमें गौमाता अपना गोमूत्र अपना गोबर विसर्जन करते थे, इसके द्वारा पृथ्वी एक भूमि बड़ा उर्वरा होते थे, वही फर्टाइल बड़ा उर्वरा शक्ति हो। अभी आप विज्ञान के द्वारा अपने क्या करते हो, यूरिया का प्रयोग करते हो, जितना सारे यूरिया जितना सारे रासायनिक सार जितना सारे रासायनिक सार जितना सारे यूरिया आदि यूरिया आदि सब प्रयोग कर रहे हो, इसके द्वारा जो फसल ये जो आप यूरिया और सारा पॉइजनस रासायनिक केमिकल सार आप भूमि में यूज करके उत्पादन करते हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, फसल उठा रहे हो, इसमें फ्यूचर बहुत खराब है। लिख कर रखना डायरी में, अभी भी आपको समझ में आ रहा है। सारे आदमियों का बीमारी फैल रहा है, घुटना का दर्द, सब यूरिया यूरिक एसिड सारे इधर डिपोजिट हो जा रहा है सारे शरीर में, क्योंकि वो रासायनिक सार जो है केमिकल सार आपका शरीर में रिएक्शन फैल रहा है, आपका तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं जाता है। क्यों? भले ये रासायनिक सार से उत्पादित जो है सब आप खा रहे हो, लेकिन गौमाता को काट रहा है। गौमाता दूध देना, जब दूध कमी हो जाए तो गौमाता को लेकर काट के उसका मांस को बिक्री करे, चारों ओर जा रहा है। किसी को ये अक्ल नहीं है। गौमाता को काटने का साथ साथ गौमाता जो चिल्ला रहे करके जो चिल्ला रहे, ये चिल्लाने का जो शब्द है ये सारा पृथ्वी में अशांति फैलेगा, शांति नहीं आएगा। सुबह होते का साथ साथ कम से कम 60 से 70,000 गौ माता का काटना होता है, काटते 60 से 70,000 गौ माता सारा भारत में कम से कम 60 से 70,000 गौ माता का वध होता है, काटते हैं सुबह होने का साथ साथ, सूरज उठने का पहले ही गौ माता का वध होता है। यहां तक कि हैरान की बात है, मथुरा में भी है, कलकत्ता में सारे जगह काटने का व्यवस्था। लेकिन शिवाजी जो है, शिवाजी राजा का नाम सुने हो, शिवाजी महाराज बचपन से पिता का साथ एक जगह जा रहा था, बादशाह का साथ देखा करने, बचपन में छोटे 12 साल 10 साल उम्र होगा, उन्होंने देखा रास्ते में एक गौ माता को एक कसाई जोर जबरदस्ती ले के जा रहा है, जोर जबरदस्ती खींच के, और गौ माता डर के मारे एकदम रो रही है ऐसा। तो शिवाजी ने क्या की, ऐसा तरवाल उठाकर वो बदमाश को ऐसा काट के फेंक दिए। ये इतिहास बहुत सारे आदमी जानते हैं, काट के फेंक दिए। गौ माता का ऊपर अत्याचार करने वाले को कभी भी शांति नहीं मिलेगा। अब हमारा विनती है, गौ माता के ऊपर इतना अत्याचार करके आप देख चुके हो, अभी हमारा विनती है गौ माता के ऊपर थोड़ा प्यार करके देखो। हम तो सुबह होने का साथ साथ अन्निक से लेकर गौ माता का पूजा सारे मानस में सब कर, सुरभि माता का पूजा आज हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, सुरभि माता का पूजा हम सुबह में ऐसे ही नित खुलने का बाद ही उनके शरण उसका वंदन करता हूं। इसमें क्या फायदा मिलेगा आपका जीवन में करके देखो तो पता चलेगा, आपका जिंदगी में करके देखो, गौ माता का पूजन गौ माता का सेवा करके तो देखो मेरा कहने पर,
सारे गोमाता का लिए आपको अगर घर में इतना अभाव है, गोमाता का खाने के लिए कुछ बचा नहीं है और बाहर में होटल में जाके स्कॉच खाते हो, तो गोमाता के लिए अत्याचार कम करो, करो मत। गोमाता को ऐसा एक जगह बनाओ सरकार का साथ बात करके, जिसको बोला है अभयारण्य, अभयारण्य। ये अभयारण्य गोमाता को छोड़ दो, वो हरा भरा जगह में गोमाता अपने आप विचरण करते रहे और खाते रहेगा, तुम्हारा खाना देने का कोई दरकार नहीं। लेकिन कुछ संरक्षण करो। आज हम हैरान हो रहे हैं, आज टाइगर प्रकल्प, टाइगर प्रकल्प, प्रकल्प जानते हो? प्रकल्प जानते नहीं हो? टाइगर को संरक्षण करने के लिए प्लानिंग हो रहा है सरकार से। टाइगर, कुम्भीर, कोकोडाइल, कोकोडाइल, टाइगर, लायन, ये लोगों के लिए। और गौमाता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, गौमाता के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जितना सारे बोका मूर्ख है, सब टाइगर का प्रकल्प करके रखे, टाइगर प्रकल्प, हरिण प्रकल्प, हाथी प्रकल्प, कि गौमाता का कोई चिंता मान नहीं कर। गौमाता जाएगा तुम क्या खाओगे? तुम्हारा खानदान तो उजड़ जाएगा। जो आ रहा है पिछले जिनरेशन जो आ रहा है वो तो मरेगा, वो कैसे जिएगा? गौमाता को छोड़ो, यहां चारों जगह गौमाता घूमते रहे, और जो आदमी गौमाता को उठाकर ले जाए उसको पकड़ो, पुलिस के हाथ में दो, नियम करो। सब कोई का चरण में हमारे ये प्रार्थना है, जो लोग गौमाता को काट के खा के देखे हो, अत्याचार किए हो, आप बस करो, अभी गौमाता का थोड़ा पूजन करके देखो, सेवा करके देखो, आपका जिंदगी में क्या तरक्की होता है। हमारा कहने से एक बार करके देखो, एक बार गौमाता का थोड़ा पूजन करके देखो, गौमाता का सेवा करो, गौमाता का पीति करो। वैज्ञानिक लोग देखे हैं एक गौमूत्र के द्वारा कैंसर आदि बहुत डिजीज का तमाम इलाज हो सकता है। और बात का रूमेटिक जो बात है, बात ऐसा सारे गौमाता का जो पेशाब से आप बहुत कुछ दवाई निकाले हैं। गौमाता को ऐसा सरकार के साथ बात करके सारे अभयारण्य करो, फॉरेस्ट, जे जाएगा गौमाता को खुला, जो आपका घर में खाना नहीं है ठीक है, गौमाता को वो जगह दे के आओ, वो जगह गौमाता घूमते रहें, अपना जो गोबर गौमूत्र है इसको रखो, आचारे खेती बाड़ी के लिए गौमाता का पालन करो। गौमाता का पालन करने से जो आपका खेती बाड़ी सारे सुविधा हो जाएगा, आपका घर में गौमाता रहे उसके द्वारा आपका घर में बीमारी नहीं फैलेगा, सारे सुविधा हो जाएगा, इसलिए गौमाता का पालन करो। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण का लीला का विचार करो, उसमें देखोगे एकमात्र तो गोधन को ही धन बोला जाता था, गोधन। पहले जमाने में गोधन ही धन था, अब तो तुम बहुत सारे चीज को धन मानते रहे, अभी गौमाता ही धन था, गौमाता को ही धन माना जाता है। जितना जितना सारे गोधन है उसका सम्मान ज्यादा है। जैसे ब्रजभूमि में हमारा ये विश्वभानु महाराज, इन हमारा नंद महाराज, नंद महाराज का 9 लाख गांव थे, 9 लाख, 9 लक्ष गांव गौ माता, और विश्वभानु महाराज से उससे ज्यादा 12 लाख, विश्वभानु महाराज का 12 लाख गांव गौ माता, और नंद महाराज का 9 लाख। और जटिला कुटिला का नाम जानते हो, सास अन्न, इनके खारा धंधा है जे हमारा बहू को सूर्य पूजा के लिए भेजे और पूजा करके आए, हमारा गोधन जो है और वृद्धि होते रहेगा, गोधन, और सचमुच गोधन वृद्धि होते रहे। तो इसमें गोमाता के द्वारा क्या सुविधा हो सकता है, आप विचार करके देखो तो तमाम आपका सुविधा मिल जाएगा। तमाम समाज में गोपालन अगर शुरू हो जाए तो ये जगह सारे आपका जितना समाज संसार में जितना सारे समस्या सारे समाधान हो जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपना लीला के द्वारा प्रमाण किए हैं, अभी का समाज में फैक्ट्री का जरूरी है, सारे चीज का जरूरी है, लेकिन हम प्रमाण कर सकते हैं सिर्फ गौ माता को आप छोड़ दो, एक फांका जाएगा, पूरा जाएगा, आश्रम बना लो, यहाँ अमर यहाँ जो आपका नर्मदा नदी का जो उत्सव है, जगह का नाम क्या है, और नर्मदा नदी जहां से निकाली है, अमरकंटक, उसका निकट एक आश्रम है, इसका उदाहरण दे दे आपको समझ में आ जाएगा। उस आश्रम में
बाहरी दुनिया का साथ कोई संबंध नहीं रखने का कोई जरूरी नहीं समझता हो। बड़ा जायगा को घेर कर उसमें गौ माता का पालन, गौ माता का पालन के द्वारा उसमें खेती बाड़ी सारे काफी जमीन है, गौ माता का पालन हो रहा है एक साइड, पूरा गौ माता का जो गौमूत्र गोबर से खेती बाड़ी हो रहा है सुंदर, और गौ माता गोबर से जो गैस है, गैस प्लांट जो गैस प्लांट है, वो गैस प्लांट से जो गैस निकलता है उसमें रसोई का क्रियाक्रम हो सकता, या तो कंडा थप्पाया जाए कंडा गौ माता का गोबर से, और आप जो गैस के रसोई खा रहे हो, आप जो रसोई खा रहे हो जो LPG गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये जो आप खा रहे हो बीमारी फैलेगा। लेकिन गौ माता का जो गोबर के द्वारा जो प्लांट होता है काउडांग से, गौ माता का गोबर है गौमूत्र से प्लांट होता है, वो प्लांट से जो मीथेन गैस निकलता है, उसमें जो रोटी पानी बनाओ उसमें कोई आपका बीमारी नहीं फैलेगा। वो आश्रम में प्रमाण कर दिया, वो आश्रम में गौ माता का गोबर गौमूत्र के द्वारा ये आपका पूरा खेती बाड़ी हो रहा है, और इधर गौ माता का जो ये है उसमें रसोई करने के लिए सारे व्यवस्था है, और बाहरी दुनिया का साथ उसका, और जो घास फूस होता है जो निकलता है धान गेहूं से, वो गौ माता का खाना के लिए व्यवहार हो रहा है, खाने का चीज तो उधर ही मिल जाता है। ऐसा करके हरा भरा एकदम आश्रम में पूरा प्रमाण करके हम दिखा सकते हैं, गौ माता रहे तो भारत का नहीं पूरा पृथ्वी बच जाएगा। महात्मा गांधी जी ने क्या बताए आप विचार करके देखो, महात्मा गांधी का कहना आज से 50-60 साल पहले, 70 से पहले क्या क्या प्रवचन दिए गांधी जी। हम तो पॉलिटिकल लीडर का बात नहीं कहना चाहें, लेकिन आपको बोलना पड़ता है क्योंकि आपको थोड़ा विश्वास हो जाए। इसलिए ये जो गौ माता का किताब, एक गौशाला में कम से कम 4,000 से 5,000 किताब कठिया जी आप दे दोगे, इधर से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये गौ माता का वाणी का सेवा के द्वारा जिसका साहस है गौ माता का वाणी का सेवा करे, और जिसका सामर्थ्य है पैसा गौशाला में पैसा के द्वारा सेवा करे, जिसका पास पैसा भी नहीं है वाणी का समर्थ भी नहीं है, उन्होंने आकर इधर गौ माता का गोबर को साने, थोड़ा गौ माता का ऊपर हाथ फिराए, पूरा खाना दे, ऐसा करके थोड़ा झाड़ू लगाए, एक गौ माता का सेवा, आज से आप प्रतिज्ञा करो गौ माता का सेवा करोगे, एक ना एक सेवा करोगे, फिर हमको बताओगे 6 महीना बाद आपका क्या तरक्की हुआ है। लेकिन अगर वैष्णव अपराध किए हो उसमें फल नहीं मिलेगा, वैष्णव अपराध करने के साथ साथ सारे आयु 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 श्रीयो यशो धर्मो लोकानाशी से वचो हंतिंग श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम, महद भक्ति का अपमान होने का साथ साथ तुम्हारा आयु चला जाएगा, घाटा जाएगा, श्री सौंदर्य चला जाएगा, कदाकार हो जाएगा, यश आपका जिंदगी में जितना सारे यश है यश खराब हो जाएगा, आयु श्रेय यशो धर्मो जितना सारे आप धर्म कर्म किए हो सारे खराब हो जाएगा, आयु श्रेय यशो धर्मो लोकाना आशीष एवच हो जितना सारे गुरुजनों ने आपको आशीर्वाद दिया है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये रहने से हम नहीं बोलता, जब वैष्णव अपराध ना रहे सारे कंडीशन एक ही है, कंडीशन एक है वैष्णव अपराध ना रहे, बस आज पाप अगर जितना सारे पाप आप किए हो तो क्या किया जाए उसमें कहीं नहीं, आप करो सेवा शुरू करो, आज से शुरू करो गौ माता का सेवा, और देखोगे 6 महीना का अंदर आपका तरक्की आध्यात्मिक उन्नति फिनेंशियल सारे मंगल हो जाएगा। रोज गौ माता को ग्रास दो सुबह में उठकर, नियम है जो खाना खाओगे उसका पहला हिस्सा गौ माता को देना चाहिए, और अंतिम हिस्सा कुत्ता को मिलना चाहिए, पहला हिस्सा आदमी जो खाता है सारे गौ माता को देना चाहिए। क्यों? गौ माता का अंदर सारे देव देवियों का अवस्थान है, गौ माता का जो चित्कार है अम्बा करके उसमें वेद में बोलता है सरस्वती है, सरस्वती उनका जो अम्बा रब है उसमें सरस्वती विराजते है कंठ में। ये सब हम कहां कहे, कितना तब कहें, समय भी कम है, हमारा विनती है आज गौ माता का उत्सव है, खूब उत्सव करो आनंद के साथ गोपाष्टमी, और जैसे आप गौ माता का जो व्रत, गौ व्रत कोई नहीं जानते, सब गौ माता का व्रत भी है
नौ दिन तक व्रत है, प्रतिपदा से लेकर गौ माता का जो गोअष्ट गोपाष्टमी, सिर्फ दूध पी के गौ माता को अर्चन करते हो। गौ माता का अर्चन मतलब गौ माता का अर्चन इसलिए किया जाए कि कृष्ण संतुष्ट होगा। ध्यान देना, गौ माता को पशु, गौ माता को पशु ये विचार से सेवा करो तो होगा नहीं। गौ माता है, इसी हिसाब से करोगे तो आपको क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद ही गौ माता का सेवा करते थे। आप तो क्या, आप तो छोटे मोटे जीव है, आज वो काल मर जाओगे, आपका क्या जिंदगी का क्या भरोसा है। जो साक्षात भगवान है वो गौ माता का सेवा करती थी, और गौ माता को जैसे अपना माँ को भी ऐसा नहीं प्यार करते थे। गौ माता का बांट में जो दूध का धड़ है उसमें जाके ऐसा करके बचपन में खाते थे, गौ माता के ऊपर इतना प्यार। और गौ माता भी कृष्ण भगवान को छोड़कर बिल्कुल रहते नहीं, बिल्कुल असन। मथुरा में जन्मस्थान में एक व्यक्ति बड़ा घराने का संसार से आ गए, और घूमते घूमते गौ माता का महिमा सुना, और जन्म भगवान का जो जन्मस्थली है वहाँ मैनेजिंग कमेटी को बताए, हम आए हैं, हमको एक सेवा दे दो गौ माता का। बोला आप करो, एक कितना तनख्वाह चाहिए, कितना तनख्वाह लगेगा। बोला हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं चाहिए ना, हम तो कृष्ण भगवान संतुष्ट होंगे इसीलिए करेंगे। तो गौ माता का सेवा करना शुरू कर दिया। जब गौ माता का सेवन करना शुरू कर दिया, बस उसका हो गया आनंद। उसके बाद उसका जीवन का जो कि क्या हुआ था सिद्धि, ये आप सोच भी नहीं सकते। गौ माता का अंदर भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन दिए उसको, गौ माता का पेट का अंदर, ये सारे आदमी जानते हैं जन्मस्थान में। ऐसा करके उसका सिद्धि प्राप्त हुआ। गौ माता का सेवा में भगवान श्री कृष्ण का प्राप्ति संभव है, भगवान का प्राप्ति संभव है। ऐसे गौ माता को मांस पूछ, गौ माता को पालन मत करो कि महाराज हमको दूध मिलेगा, दूध खाएगा उसको ऐसा हड्डा कट्टा बने, ऐसा नहीं। गौ माता का सेवा करो प्रेम से, जैसे भगवान श्री कृष्ण पालन करते थे, हम सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हो जाए, इसी हिसाब से गौ माता का पालन करो। और जितना सारे बच्चे हैं, सारे ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग सब इंग्लिश मीडियम में देते हैं, इंग्लिश मीडियम में, उन लोगों का बुद्धि खराब। जैसे इंग्लिश मीडियम में देने से बच्चा बड़ा हो जाए। हम तो देखे हैं महाराज, आप स्टैटिस्टिक देखो, स्टैटिस्टिक जितना सारे इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, आप हिसाब करके देखो, सरकार का जो रिजल्ट निकालते हैं, जितना सारे इंग्लिश मीडियम का छात्र हैं उनको अंग्रेजी में जो रिजल्ट, अंग्रेजी में जो नंबर आता है कम आता है। जो बंगाली मीडियम में तो मातृभाषा सीखते हैं, हमारा बंगला में तो ऐसे ही है, उसको ज्यादा मिलता है, मातृभाषा में ज्ञान नहीं है। और पहले इंग्लिश सीखो, इंग्रेजी सीख के बड़े हो जाएगा। और जैसे गौ माता, गौ ब्राह्मण वैष्णव सब कोई को अपमान करने का एक तरीका सीखेगा। भगवान गोविंदो का दंडो प्रणाम क्या है, नमो ब्राह्मण न देवायो गुरु ब्राह्मण हिताय जो जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो, उसमें क्या लिखा है, गोविंदो को ब्राह्मण गुरु गौ, ये जो गौ माता, इन लोगों का लिए भगवान का जान है। तो आप नहीं चिंता करोगे, जितना सारे बच्चा है इसको शिक्षा नहीं दोगे, ये भारत भूमि है, इस पे तुम नहीं सिखा दोगे। गौ माता क्या चीज है, तुम उल्टा सिखा दोगे। जो भी है चलो, आज इतना तक रहे, अब ज्यादा बोलने का टाइम भी नहीं है। और गौ माता के ऊपर अपराध करे तो धीरे धीरे आपका पतन होते रहेगा देश भूमि का सारे, हमको कुछ करने का नहीं है। जो फल, जय गौ, गौ जी महाराज, गौ माता की जय हो।